हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिक बाइकर। दोस्तों, आज आप लोगों को लेकर आए हैं कौन नगर। ये वेस्ट बंगाल और कोलकाता का एक लौटा शोरूम है जहां आप लोगों को इलेक्ट्रिक स्कूटर सेकेंड हैंड मिल जाएगी। तो आज हम लोग कर रहे हैं यो इलेक्ट्रॉन का रिव्यू। ये गाड़ी का रिव्यू आज तक आप लोगों ने मेरे चैनल पर नहीं देखा होगा, तो देख सकते हैं आप लोग। यो इलेक्ट्रॉन है ये। तो सबसे पहले कर लेते हैं इसकी इंडिकेटर की बात। तो आप लोग देख सकते हो कि इसमें बल्ब वाला इंडिकेटर है, ये है लेफ्ट इंडिकेटर और ये है राइट इंडिकेटर। पीछे से भी आप लोग देख सकते हो, ये है राइट इंडिकेटर और ये है लेफ्ट इंडिकेटर। चलिए अब कर लेते हैं इसकी हेडलाइट की बात। तो इसमें कुछ इस तरीके का हेडलाइट दिया गया है जो कि आप लोग देख सकते हो बल्ब में है, लेकिन आप लोग इसको एलईडी भी लगवा सकते हो अपने हिसाब से, अगर आप लोग लगवाना चाहो तो। चलिए देखते हैं अब इसका डैशबोर्ड यानी कि डिजिटल मीटर कैसा है। तो इसमें फिलहाल तो डिजिटल मीटर इस मॉडल पर नहीं है, लेकिन लेटेस्ट मॉडल में इसमें आप लोगों को डिजिटल मीटर मिल जाता है, ठीक है। ये इसका बैटरी इंडिकेटर है जिसमें आपको बताएगा कि कितने परसेंट आपकी गाड़ी में चार्ज है और आप लोग कितने दूर तक जा सकते हो, वो आप डिसाइड कर सकते हो। ये एक बार फुल चार्ज करने पे 60 किलोमीटर का माइलेज दे देता है। इसमें 12 वोल्ट का 24 एम्पीयर का चार बैटरी है। और अब कर लेते हैं हम लोग इसका बूट स्पेस का बात। चलिए देखते हैं कि बूट स्पेस में कितना स्पेस। जैसा कि आप लोग देख सकते हो इसमें कुछ इस तरीके का स्पेस है। इसके नीचे बैटरी होती है, ये MCB है। इसमें हाफ साइज का हेलमेट आप लोग रख सकते हो। अब चलिए देखते हैं इसका सामने में कैसा स्पेस है। ये कुछ ऐसा स्पेस है जिसमें आप लोग बोतल भी रख सकते हो या अपना मोबाइल फ़ोन भी कुछ इस तरीके से रख सकते हो। और ये हो गया आप लोगों का बैक हुक और यहाँ से गाड़ी आप लोग ऑन ऑफ कर सकते हो। और इसके यहाँ पे हॉर्न है और यहाँ पे भी हॉर्न है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। तो चलिए देखते हैं यो इलेक्ट्रॉन का परफॉर्मेंस कैसा है, इसको टेस्ट राइड करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हो बैटरी इसमें परसेंटेज कम है, 40% से भी कम चार्ज है और ये परफॉर्मेंस लेकिन बहुत बढ़िया दे रही है। पिकअप काफ़ी अच्छी उठ रही है। जो इलेक्ट्रॉन एक कॉम्पैक्ट साइज गाड़ी होने के वजह से अपने आप को मेंटेन बहुत ही जल्दी कर लेती है, ये इसमें एक प्लस पॉइंट है दोस्तों, जो कि मुझे पसंद आया। गाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है दोस्तों। बैटरी कम चार्ज होने की वजह से इसको ज़्यादा पिकअप तक हम लोग उठा नहीं पाए, लेकिन इसकी मैक्स स्पीड 25-30 है, ठीक है। ये अभी दो कलर में है, वैसे तो कंपनी के पास 4 कलर अवेलेबल है, लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को दो कलर दिखा देता हूँ। ये है ब्लू एंड सिल्वर कलर में और ये है ब्लैक एंड रेड के कॉम्बिनेशन, जो कि दोनों ही गाड़ी काफ़ी अट्रैक्टिव है और जो के पास अभी ये दोनों गाड़ी अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटे को जरूर दबाना ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन तुम लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो।